सोलन में यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी नियम तोड़ता पाया जाता है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का चालान किए जा रहे हैं। ये जानकारी एएसपी अशोक वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि सोलन जिला में यातायात नियमों की बहुत ज्यादा उल्लंघना की जा रही थी। बिना हेलमेट डाले युवा दोपहिया वाहन चला रहे थे, जिस कारण दुर्घटनाओं में युवाओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। ज्यादातर चालक कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। चालक तय सीमा से भी ज्यादा स्पीड पर वाहन चला रहे हैं, जिसके चलते सोलन पुलिस ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई है और उनके चालान कर उन्हें भविष्य में नियमों की उल्लंघना न करने की सलाह भी दी है। अधिक जानकारी देते हुए एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस ने सोलन जिला में यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई है, जिसके तहत 15 दिनों के भीतर लाखों रुपए के चालान किए गए हैं, जिसमें बिना हेलमेट 684 चालान और ओवर स्पीड के 50, सीट बेल्ट 1106 और आइडल पार्किंग 780 चालान किए। उन्होंने कहा कि सोलन पुलिस की ये सख्ती लगातार बढ़ती रहेगी और किसी भी व्यक्ति को जो नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया जाता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि शहरवासी यातायात नियमों की पालना नहीं करते। 15 दिनों में जिला सोलन पुलिस ने अलग अलग हेड्स में अलग अलग चालान किए हैं, जैसे बिना हेलमेट के 684, ओवर स्पीडिंग के 50,